हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत। आप देख रहे हो टाटा स्किन सुशांत चैनल। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कुछ इस टाइप का जो बर्थडे वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं। आप भी इस टाइप का बर्थडे वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो मेरे वीडियो पर एंड तक बने रहे। और अभी तो मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते प्लीज लाइक कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, तो गाइस कॉपीराइट से मैंने वीडियो को म्यूट कर दिया। आप भी इसका फुल वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से वीडियो को पहले पोस्ट कर दिया, वहां जाकर आप लोग देख सकते हो। ओके, तो गाइस इस वीडियो एडिटिंग करने पे आपको एडिट मोशन का जरूरत पड़ेगा। आपके पास एडिट मोशन नहीं तो मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आपको डाउनलोडिंग कर लेना है। उसके बाद आपको 2% लिंक मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप पर, जाकर आपको इनपुट कर लेना है। प्रेसेंटली कैसे इनपुट करते नहीं पता तो ऑलरेडी वो वाला टॉपिक पर वीडियो बना कर रख लिया, आप चाहे तो वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले आपको अपना एलर्ट मोशन ओपन कर लेना। एलर्ट मोशन ओपन होने के बाद आपको इस तरह आपको ओपन कर लेना है। उससे प्रोजेक्ट में आ जाना। प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको ऐसे 2% आपको इनपुट कर लेना पहले। ओके, मैंने ऑलरेडी इनपुट कर रखा। पहले आपको क्या करना, देखो आपको बिडमार्क प्रोजेक्ट दिख रहा होगा, आपको ये वाला ओपन कर लेना। और जो ये वाला आपको टैक्स वगैरह जो आपको फंड वगैरह जो आपको इनपुट कर लेना पहले। आपको देखो यहाँ पर फोटो ऑलरेडी लगा है, आपको अलग फोटो यहाँ पर लगाना चाहते हो तो क्या करना, आपको देखो पहले आपको बैकग्राउंड फोटो आपको चेंज कर लेना। ये वाला फोटो में जाकर कलरफुल में जाकर पेनी में जाकर आपको जो फोटो आपको देना चाहते हो इस तरह आपको फोटो में क्लिक करना, बैकग्राउंड फोटो लग जाए। ओके, मैं तो वे वाला रहने दूंगा। ओके, इस तरह आपको बैकग्राउंड फोटो चेंज कर लेना है। ओके, इस तरह आपको आ जाने के बाद आपको ग्रुप देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको एडिट ग्रुप कर लेना है। एडिट ग्रुप करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो ग्रुप देख रहे हो ये वाला ऊपर वाला ग्रुप क्लिक करना है और एडिट ग्रुप करके आपको सेम इमेज यहाँ पर आपको ऐड कर लेना। ओके, इसी तरह आपको जो भी फोटो आप देना चाहते हो ये वाला फोटो हम आपको डेमो देखने देख देते हैं। ओके, इस तरह देने फिर आपको क्या करना है, एडिट ग्रुप करके नीचे वाला लेयर का भी सेम फोटो आपको इस तरह ऐड कर लेना। ओके, ऐसे करके आपको सेम फोटो यहाँ पर ऐड कर दोगे तो आपको बैकग्राउंड रखो यहाँ पर भी फोटो लग गया। ओके, इसी तरह आपको फोटो लगा लेना। ओके, यहाँ पर भी क्या करना, आपको एडिट ग्रुप कर लेना। इसी तरह आपको एडिट ग्रुप करके सेम फोटो ऊपर वाला प्रोसेस भी आपको कर लेना, एडिट ग्रुप कर लेना इस तरह। ओके, और आपको सेम फोटो यहाँ पर भी दोनों फोटो जो होगा आपको सेम फोटो लगा लेना। जो भी फोटो आप देना चाहते हो वो वाला फोटो आपको इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। फिर से आपको बैग देना और नीचे वाला ग्रुप जो एडिट कर लेना है और फोटो में क्लिक करके सेम फोटो आपको ऐड कर लेना। ओके, तो सेम फोटो देखो तो होगा। ओके, देखो यहाँ पर भी इस तरह आ जाएगा। फिर से आपको बैग देना, देखो यहाँ पर भी फोटो लग गया और यहाँ पर भी फोटो ऐड हो गया। ओके, इसी तरह आपको फोटो को ऐड कर लेना। फिर से आपको क्या करना है, एडिट ग्रुप कर लेना। यहाँ पर भी एडिट ग्रुप करें, ऊपर वाला इमेज जो लिखा है वो आपको क्लिक करना है और जो भी इमेज आपको यहाँ पर लगाना चाहते हो वो वाला इमेज आपको क्लिक करके इस तरह सेलेक्ट कर लेना। ओके, फिर से आपको बैग जाना है। बैग आने के बाद फिर से आपको आगे चले जाना है। ये वाला लेयर भी कंप्लीट हो गया, उससे तक क्या करना है, ये वाला लेयर आपको क्या करना है, फिर से आपको एडिट करके सेम प्रोसेस कर लेना। ओके, कलरफुल में जाएंगे और यहाँ जो भी फोटो आप देना चाहते हो इस तरह आपको फोटो को क्लिक कर लेना। ओके, यहाँ पर भी फोटो देखो ऐड हो गया, दो फोटो ऐड हो गया। उसके क्या करना है, यहाँ से आपको जितना फोटो ऐड करना है कर लेना। ओके, इस तरह आपको नेक्स्ट बिडमार आ जाना है, प्लस में टैप करके मीडिया टैप करके यहाँ आपको फुल स्क्रीन कर लेना। जो भी फोटो आपको ऐड करना है इसी तरह आपको फोटो को क्लिक करना है और प्लस में टैप करके थ्री लाइन में जाएगा आपको फील्ड कंप्रेशन जाकर करके नेक्स्ट करके। ओके, इस तरह आपको कट कर लेना। ओके, इस तरह आपको कट करना, फिर से आपको प्लस में टैप करना है, मीडिया में टैप करना है और जो फोटो आपको ऐड करना है इस तरह ऐड करना है और फिर कंप्रेशन लगा करके नेक्स्ट करके कट करना। ओके, इसी तरह आपको जितना भी फोटो यहाँ पर लगेगा, चार फोटो रहेगा, चार फोटो आपको ऐड कर लेना। ओके, ओके, तो मैंने देखो फोटो को ऐड कर लिया। आप इस तरह चार फोटो जो है आपको ऐड कर लेना। फिर से आपको बैग बिडमार जो इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट ओपन करके पहले वाला इफेक्ट आपको क्या करना है, फोटो में क्लिक करना है और इफेक्ट में जाकर आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना। ओके, कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको फिर से बिडमार प्रोजेक्ट ओपन करके आगे चले जाना है। इस तरह आपको आगे चले जाना है और पहले वाला फोटो में आपको क्या करना है, क्लिक करके पेस्ट करना। ओके, इस तरह पेस्ट कर लेना। फिर से आपको एक फोटो छोड़ देना, दूसरी वाला फोटो पर फोटो पर क्लिक करके इफेक्ट में जाकर पेस्ट करना। ओके, इतना करने के बाद फिर से आपको बैग लेना और इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट ओपन करके आपको दो नंबर जो इफेक्ट है वाला आपको इफेक्ट को कॉपी कर लेना। ओके, कॉपी इफेक्ट कर लेना। फिर से आपको क्या करना, बैग लेना। बैग लेने के बाद आपको बिडमार प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको क्या करना, लास्ट वाला फोटो आ जाना है, इस वाला फोटो क्लिक करना है और इफेक्ट में जाकर आपको पेस्ट कर लेना और दोनों फोटो पर आपको आ जाना है। ये वाला एक छोड़ देना है, दूसरी वाला फोटो में आकर जाना आप और इफेक्ट में जाकर आपको पेस्ट करना। इतना करने के बाद आपको वीडियो बनकर रेडी हो गई। आप सीसी इफेक्ट लगाना चाहते हो तो क्या करना, आपको यहाँ पर आ जाना है और आपको ऑन सीसी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो और नहीं तो नहीं लगाना चाहते हो नहीं लगा सकते। ओके, इस तरह आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, बिडमार्क प्रोजेक्ट ओपन करके यहाँ सीसी इफेक्ट आपको लगाना चाहते हो तो पेस्ट कर लेना। ओके, जो एडियर में आपको बनाना चाहते हो तो इस तरह आपको लुक आ जाएगा। ओके, इस तरह आने के बाद आपको यहाँ जाकर वीडियो को फुल एचडी में एक्सपोर्ट कर देना। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।